हरिद्वार एंड वी आर स्टार्टिंग। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, वेदर बहुत बैड है और हम लोग शांति कुंज में यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पे गाइस कुछ लोग खड़े हैं, शायद कुछ हुआ है। ओ पैसेंजर बैठाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं। और ये जिसको आते हैं पेड, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए होता है। ये आप देख सकते हैं जैसा कि शांति कुंज हरिद्वार लिखा हुआ है। और ये रहने के लिए टूरिस्ट के लिए यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एक बात और गाइस, यहाँ पे घुसने के लिए वो दिखाना पड़ता है, इसकी ज़रूरत होती है अंदर एंट्री करने के लिए। गाइस ये देंगे आपको, आपके पास नहीं होगा तो आप यहाँ जा कर ले। और ये देख सकते हैं यहाँ कितना भीड़ लगी है, यहाँ से आप सामान ले सकते हैं। यहाँ कुछ सब कुछ फ्री रहता है। यहाँ देखिए बहुत बड़े बड़े टूरिस्टर आते हैं, कुछ नहीं देना होगा आपको। और यहाँ पे आपको गद्दे के लिए चार्ज देने होंगे उस हिसाब से आप जितने ले रहे हैं और जितने दिन के लिए रुक रहे हैं। यहाँ पे बस खड़ी है, सारी सुविधाएं। गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको वहाँ जाने पर मिल जाएगा। एक काउंटर है यहाँ पे, आप आओगे पहले तो यहीं पे। और ये एम्बुलेंस खड़ी रहती है इधर। यहाँ पे हर एक चीज़ में शांति कुंज, ये देख लो जलपान के लिए ये सब। यहाँ पे बहुत भीड़ है, लोग देख सकते हैं ये पूरा। ये कैंटीन है, ये कैंटीन में देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है। हाँ खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे आपको खुद करनी पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पे खाने के लिए आपको खुद, ये कैंटीन है। गाइस कोई भी गलती हो उसको लेना मत, क्योंकि बिकॉज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। सो ख़राब लगे कुछ तो उसे ज़्यादा इश्यू मत करना। यहाँ भी रुक सकते हैं गाइस, यहाँ फ्री है, हाँ कोई कॉस्ट नहीं लगता है। हाँ यहाँ मीठा उठा आपको लेना है कुछ मिठाइयाँ उठाइयाँ उसके लिए। और ये पार्क है बड़ा, यहाँ पे लोग रात में आते हैं। वो गाड़ी लगी हुई है बस, इस पे दिखाया जाता है रात को, ये ट्रक लगी हुई है। देख सकते हैं गाइस इतनी भीड़ है यहाँ पे। ये कुछ लिखा सा है, शांति कुंज गायत्री तिथि आचार्य। यहाँ पे भी कुछ लिखा है, यहाँ से रूम ले सकते हैं यहाँ जाने पर। देख सकते हैं इस तरह लेना पड़ेगा रूम, तो आपको गद्दे मिलेंगे आपको बिछाने के लिए। बेड उड की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ता है। यहाँ का गार्ड आपको सब कुछ दे देगा। ये देख सकते हैं मेरा भाई फोन चला रहा है, बिजी है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लिफ्ट की भी कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर। हाँ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है इधर थर्ड फ्लोर। तो गाइस यही हमारी वीडियो थी, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।